अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के टॉपिक को, और इस सिलसिले में अभी हम इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, तो अपना काम शुरू कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा मैं गाइड कर दूँ। व्यूअर्स, हमारे चैनल के ऊपर इंग्लिश पढ़ाने का तरीकाकार यह है कि जब भी हम कोई टॉपिक जो है स्टूडेंट्स को कवर करवाते हैं, तो उसके बाद उसके आखिर में हम या उस टॉपिक से रिलेटेड जो है या सब टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस, एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाते हैं। और ये एक्चुअल में सेल्फ टेस्ट ही होता है आपका, आपकी वैल्यूएशन हो जाती है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपने जो टॉपिक समझा है किस हद तक वो आपको तैयार है, किस हद तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। तो इसी सिलसिले में अभी हमारा चूँकि ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव वर्ब का टॉपिक चल रहा है, तो हमारा इसमें जो है ये कम्प्लीट हुआ है, और उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज जो है वो रख दी है। अब इसमें थोड़ा सा आपको तरीकाकार बता दूँ कि ये इस साइड पे सेंटेंसेस दी गए हैं, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस के अंदर आपने जो वर्ब है उसको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांसटिव है और या इंट्रांसटिव है, और अगर आपका वर्ब जो है ट्रांसटिव है तो साथ में फिर आप उसका ऑब्जेक्ट भी मेंशन करेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट कौन सा बनना है। ये आंसर्स दिए हुए हैं, आपने इनको नहीं देखना, पहले आप अपना जो है रिजल्ट चेक करेंगे, अपने आंसर्स अलहदा से लिखेंगे, ये वाले आंसर्स को छुपा के उसके बाद आपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ आप टैली कर लेंगे, तो ये रिजल्ट आपका आपके सामने होगा। और इसके अलावा कुछ और जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के हवाले से, लेकिन उन्हें मैं हर वीडियो में चूंकि रिपीट नहीं कर सकता और वीडियो तो चलती रहनी है प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर, तो लिहाजा पीछे किसी वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस का तरीकाकार क्या है, क्यों हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, वजह क्या है कि हम इसके ऊपर इतना जो है वो फोकस क्यों किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं, बल्कि मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको एक दफ़ा देख लेनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं है, 4-5-6 मिनट्स की होगी, तो आप उस वीडियो को देखें। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उसमें आपको पीछे टॉपिक को समझने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट में आपने नहीं जाना, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपने ये सॉल्व करनी है, आप ऐसे उसकी डिटेल सुने जिसमें मैं एक्सरसाइज के बारे में कि क्यों हम ये कर रहे हैं उस हवाले से जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप उनको सुनने की कोशिश करें।